দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাব দেশৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ব্যক্ত কৰিলে দেশৰ নিৰ্বাচনী অভিজ্ঞতাৰ কথা এই নিৰ্বাচন কেৱল মোদীৰ নিৰ্বাচন নহয় 140 কোটি দেশবাসীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ মুছলমান জনতাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ভাৱমূৰ্তি কেনেকুৱা সেয়াও ব্যক্ত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है जी, ये चुनाव 140 करोड़ देशवासी लड़ रहे हैं। और जो मनोभाव लोगों के देखे हैं, मेरा बहुत लंबा अनुभव है चुनावों का, जनता के मिजाज का अनुभव है, उनका तजुर्बा मैं समझ सकता हूं। तो ये चुनाव से भी काफी ऊपर की अवस्था है, ये वोट देकर के छूटने वाली अवस्था ही नहीं है। वोट दिया और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा नहीं है। वो मोदी से जुड़ चुके हैं और अधिक जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि देश ने कई सरकारों के मॉडल देखे, लेकिन भाजपा ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिसमें आधुनिक भारत का संकल्प भी है, सपने भी है, और जिसमें साफ साफ देश के सामान्य मानवीय जो 70-75 साल से इंतजार कर रहा था, जिसको लगता था कि आजाद होने के बाद ये सब उसे मिल जाएगा, उसको मिला नहीं, वो देने का काम आज मोदी कर रहा है। পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হলে এবাৰ কি কামক অগ্ৰাধিকাৰ দিব মোদীয়ে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব দেশক দেশৰ জনতাই আজি মোদীৰ সৈতে সংযোগ হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছত দেশে যিখিনি নাপালে তাৰে পূৰ্ণতা দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছে বিজেপি চৰকাৰে পূৰ্বে ভাৰতে মোবাইল ফোন আমদানি কৰিছিল এতিয়া ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ বৃহত্তম মোবাইল ৰপ্তানি কৰা দেশ যুৱা জেনেৰেশ্যন হৈছে যিয়ে বুৰে দিন দেখে নাই থে 2014 কে পহলা যিয়ে উসকো 5-7-10 साल की आयु का था उसको लगता है यार स्पेस में रिफॉर्म हो रहा है, चंद्रयान हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, स्टार्टअप हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने वाला है, फार्मा का हब बनने वाला है, ये उसको लगता है ये तो बिल्कुल दुनिया के लिए हमारा सब कुछ खुल जाएगा। जब वो देखता है कि हम मोबाइल फोन इम्पोर्ट करते थे और जब वो सोचता है कि यार दुनिया में हम सेकंड नंबर पर हैं मोबाइल एक्सपोर्टर के रूप में, तो मेरा नौजवान अपने सपनों को मेरे सफलताओं के साथ बुन रहा है वो, और बुन करके वो ऐसा धागा बना रहा है जिस धागे के कारण उसको अपने भविष्य की गारंटी दिखती है। আৰু নিউজ 18ৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত আৱেগিক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কোভিডৰ পৰা সময়ৰ কথা উৰ্মন্থন কৰি দুখীয়াৰ ঘৰ চৌকা জ্বলালৈকে মোদীয়ে নিৰন্তৰ কৈ গ'ল বহু কথা বিৰোধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিৰুদ্ধে অনা একনায়কত্ববাদীৰ অভিযোগৰ দিলে প্ৰত্যুত্তৰ যি দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীসকলেই নেতাৰ সৈতে নাই তেওঁ কেনেকৈ পৰিয়ালৰ দুখ বেদনা বুজিব বুলিও কলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি কংগ্ৰেছ দলৰ সমগ্ৰ প্ৰচাৰ এক পাৰিবাৰিক প্ৰচাৰত পৰিণত হৈছে তামিলনাডু কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোতে কেৱল এটা পৰিয়ালেই প্ৰচাৰ চলাবলগীয়া হৈছে কৰোনা কা কঠিন কাল চুলা বুজনে নহি দিয়া থা বচ্চো কো ভুখা সোনে নহি দিয়া থা কিয় এক চৰকাৰ থি জিছনে কহা থা অনাজ কে ভণ্ডাৰ পড়ে লেকিন হম দে নহি সকতে হে এক এ চৰকাৰ হে জিছকা সংকল্প হে किसी का घर का चूल्हा मैं बुझने नहीं दूंगा। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे।
আর চলিত লোকসভা নির্বাচনের মাজতে বিরোধী তীব্র যুক্তিরে থকা খরকা করলে প্রধানমন্ত্রী সংকল্প আর সমালোচনার মাজত বৃহৎ পার্থক্য আছে যিয়ে সংকল্প লৈ দেশের বাবে আগবাড়ি আছে তেও কেতিয়াও সমালোচনায় লড়াব নয় বলে কলে প্রধানমন্ত্রী কেবল গালি গালাজ বা সমালোচনায় এটা মতাদর্শ কেতিয়াও স্তব্ধ বা ধ্বংস করব নয় সেয়া জনতাই দেখি আছে अब मेरे सामने दो रास्ते हैं कि जो हो हल्ला हो रहा है मैं अपना ध्यान उसमें केंद्रित करूं कि मैं जिस संकल्प को लेकर के चला हूं मैं अपने आप को वहां समर्पित करूं तो मैंने अपने आप को अपने संकल्पों के लिए समर्पित कर दिया है और मैं योग का इंसान हूं मैं ध्यान को जीता हूं मैं ध्यान करता हूं इसे नहीं मैं ध्यान को जीता हूं और इसलिए कितनी ही कोलाहल के बीच में मैं अपने आप को निर्विकल्प निराकार संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है चला जा रहा हूं मैं ये साफ मानता हूं अगर इतने आलोचक न होते टीवी मीडिया का वो जमाने में थोड़ा कम था लेकिन जो भी बैठे थे वो एक विचारधारा से प्रेरित लोग थे वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे तो उन्होंने सोचा कि इस आदमी को गालियां दे दे करके हम इस पूरे एक इंस्टीट्यूट को और पूरे एक विचार प्रवाह को ही तबाह कर देंगे ये भूल गए कि उन्होंने ऐसा करके मुझे बहुत बड़ा बना दिया और ना मुझे कौन जानता था जी ये गालियों देने के कारण और इसलिए मैं आपको आश्चर्य मैं गुजरात में पब्लिक मीटिंग करता था ना हाँ। तो मैं पूछता था भाई कोई काले झंडे वाला आया है कि नहीं आया है तो फिर वो मेरे सामने मैंने कहा भाई दो चार काले झंडे वाले लाइए तभी तो कल अखबार में आएगा कि मोदी जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया मैंने कहा एक लाइन नहीं छपेगी दो चार काले झंडे वाले रखो भाई